हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में लर्निंग नेवर एंड्स। और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपकी दोस्त पूनम आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि जो बड़े बच्चे हैं, जो 11th 12th के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, आखिर उनके साथ कैसे एक टीचर डील कर सकता है, कैसे उनके लिए भी टीचर जो है वो एक परफेक्ट टीचर हो सकता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो फटाफट आप दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन। और वीडियो से मुझे पता है कि आपको मेरी बहुत पसंद आ रही है, बट आप लोग बिना लाइक करे चले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हो सकता है क्योंकि अपनी स्कूल लाइफ पूरी कंप्लीट करने के बाद, इतने सारे टीचर्स से मिलने के बाद, अब बच्चा आपके पास कॉलेज में आया है, प्लस टीनेजर है, वैसे उसका दिमाग हवाओं में रहता है, तो आपकी इज्जत, मतलब किस तरीके से वो करने वाला है, आपको कैसा टीचर वो समझने वाला है, काफ़ी हद तक ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आप भी उसके लिए एक रोल मॉडल हो सकते हो, चाहे वो बच्चा आपको कॉलेज में आके मिल रहा है या फिर 11th 12th क्लास में आके आप उसके टीचर बने हैं, तब भी आप उसके फेवरेट टीचर बन सकते हैं। बशर्त आपको ध्यान रखना होगा मेरी इन कुछ बातों का। वो बातें क्या हो सकती हैं? पहली चीज़ कि अगर आप बड़ी क्लासेस के साथ डील करते हैं ना, तो आपकी पर्सनैलिटी भी बड़ी होनी चाहिए। एज नेवर मैटर्स। फिर वही बात, अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स की लगभग एज की थी तब से मैं सीनियर क्लासेस के साथ डील करती आ रही थी। पर आपका जो व्यक्तित्व है, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी है, वो इतनी मेच्योर्ड इनफ होनी चाहिए कि आपके बच्चों को लगे कि हाँ, हम किसी जिम्मेदार और समझदार इंसान के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। यानी जब आप क्लास में जाए ना, तो उस वक्त बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ, कोई आया है और कुछ ज्ञान देगा, हमें उस ज्ञान को समेटना है। यानी जो व्यक्ति आया है वाकई में उसके पास सिखाने के लिए कुछ है, बकवास करने नहीं आया। तो आपकी पर्सनैलिटी एकदम ऐसी होनी चाहिए उस वक्त जब आप बड़ी क्लासेस में डील कर रहे हैं कि आप मैच्योर्ड इनफ दिखने चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि सीनियर क्लासेस में डील करते वक्त आपको ध्यान रखना होगा अपनी लैंग्वेज कमांड के ऊपर, अपनी वोकैबुलरी के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं, जल्दबाजी में सही, हड़बड़ाहट में सही, घबराहट में सही, आप कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप बच्चों के बीच में मजाक का पात्र बन जाए। क्योंकि बड़े बच्चों का ये बड़ा सीन होता है कि टीचर्स के नाम बिगाड़ने में और नाम रखने वो माहिर होते हैं। आपने भी किया होगा, हमने भी किया है, और हमारे भी नाम रखे जाते हैं, बट कोशिश ये करें कि वो नाम अच्छे हो। यानी ऐसा ना हो कि वाकई में आप बच्चों के बीच में मजाक का एक पात्र बन के रह जाएं बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज कमांड है, आपकी जो वोकेबलरी है, वो एकदम परफेक्ट और डिसेंट होनी चाहिए जब आप बड़े बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। तीसरी ज़रूरी चीज़ कि जब आप बड़े बच्चों के साथ डील करते हैं तो आप स्ट्रिक्ट इनफ हो बट रिजिड ना हो। यानी आप अपने डिसीजंस को लेकर, अपने रूल्स को लेकर क्लास में बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, उन्हें फॉलो अप कराएं, बट इतने रिजिड ना हो जाएं कि आप बच्चे को एक्सट्रीम लेवल पे पनिशमेंट देनी शुरू कर दें। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आपने डांट दिया, आपने डरा दिया, वो मान गए, वो आपकी बात समझ जाएंगे। पर बड़े बच्चे, अगर आप उनके साथ एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा या डांट पिटाई आप उन्हें दिखा रहे हैं, तो वो उसका रिवर्स आपको रिटर्न कर देते हैं। कई बार स्कूल में सुना भी होगा कि बच्चे बाहर जाके टीचर पे हाथ साफ कर देते हैं। फीमेल टीचर्स के साथ कम होता है, बट मेल टीचर्स के साथ तो ऐसा बहुत होता है कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो टीचर की पिटाई कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये एथिक्स के हिसाब से बिल्कुल गलत है, बट वो बच्चे हैं, वो ये गलतियाँ कर सकते हैं, तो ऐसा मौका क्यों देना कि बच्चे इस तरीके की गलतियाँ करें। क्योंकि आप ऐसे बिल्कुल नहीं हैं, आप बिल्कुल इस तरीके की गलतियां करेंगे तो उन्हें भुगतने के लिए, उनके परिणाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर तो बेटर है कि इस तरीके की मिस्टेक्स ना करें। अगर आप अपने रूल्स, अपने एथिक्स, अपनी बातें बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए
पहले उनके मन में आ उतनी जगह बनाइए, वो रेस्पेक्ट क्रिएट करिए कि आपकी शायद डांट पर भी बच्चा आपके सामने नजरें ना उठा पाए। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे छोटी क्लास में पढ़ा रहे हो चाहे बड़ी क्लास में पढ़ा रहे हो, बट बिफोर गोइंग टू क्लास आप हमेशा होमवर्क करके जाएं। तो दोस्तों वाकई में अगर आपको मेरे सुझाव पसंद आए हैं, मेरी कही बातें ये थोड़ी आपको समझ में आई हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर बताएं। वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है दूसरों के लिए भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ उन्हें उन लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।